Assalamu alaikum and very good morning to my lovely student. How are you all? I hope you are all well at home. Welcome back to my mathematics class, class 1, chapter 30, how well. So students, this lesson is also your OBTEN syllabus. मतलब हमने जो 30% syllabus जो कर के इसका ये lesson है. मतलब ये आपके exams नहीं आएगा students. But further study के लिए आपके लिए important है. इसलिए मैं आपको ये explain कर रही हूँ. Okay students, so 13 how many? आप जैसे textbook ये open करके you will see look like this. आपका है ना 13 lesson. इसका page number 130 पे है ये. So students, we will start how many, यानी कितने हैं हमें counting करना है. And counting already we did in the earlier lesson. हमने आगे वाले lessons में भी counting देखा था ना. Yes or no students? So first of all, write the number of sticks. हमें number of ये sticks कितने हैं वो count करने हैं. So सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से start करें हम students. So here we count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many sticks is that? 6. तो यहाँ पे count करके ये box में आपको लिखना है 6. Understood students? समझ में आ गया ना? Counting करना है. Then next we will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many number of sticks students? 8. So here you have to write down it 8. Yes or no students? Easy है? Okay. देन आफ्टर वर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी है. तो ये स्टूडेंट्स हमने जैसे अर्लियर लेसन नंबर्स वाला था, नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, नंबर फ्रॉम 0 to 9, 1 to 9, वो लेसन में भी देखा था कि ये जो स्टिक होती है, यानी ये जो बंच होता है स्टिक का, उसमें 10 होती है. राइट, सो ये हमारी हो गई 10. राइट, ये 10 स्टिक्स. और उसके अलावा अब ये वाली हम लूज काउंट करते हैं कि ये लूज स्टिक कितनी है. सो 10 के बाद कंटिन्यू करते हैं हम ये वाली, यानी 10 बंच ऑफ स्टिक का, 10 स्टिक का, यानी 10 स्टिक्स का एक बंच बनाया है, इसमें 10 है, तो उसको 10. और बाकी के जो अलग अलग लूज दिए हैं वो हम कंटिन्यू काउंटिंग करते हैं. मीन्स आफ्टर 10 विल काउंट. सो आफ्टर 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 and 20. So total कितने हुए students? 20. तो यहाँ पे आपको लिखना है 20. Yes or no students? समझ में आया ना? Okay. Then afterward, here also bunch of 10 stick. तो ये हो गया आपका 10. और 10 के अलावा 1, 2, 3. यानी 11, 12 and 13. How many students sticks? 13. So here you have to write down it 13. Understood? समझ में आया ना? Okay. Then again, bunch of 10 sticks, यानी 10. तो ये हो गया आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15. So students, how many number of stick? 15. So here you have to write down it 15. ये आंसर आपको टेक्सटबुक के अंदर लिखना है students, ठीक है? जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. कितने हुए स्टूडेंट्स? 17. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17. As we get the answer 17. Okay? Then again bunch of 10 sticks. So 1, after 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. How many students? 16 sticks. तो यहाँ पे आपको लिख देना है 16. Right? तो ये वाला 16 इसका आंसर है. तो आपको यहाँ पे इसके सामने जैसे हमने ये वाले आंसर मेंशन किए, वैसे ही आपको ये आंसर आपको लिखना है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे काउंटिंग किए नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखा. तो ये सारे बॉक्सेस में आपको ये वाली स्टिक जैसे मैंने अभी आपको लिखा है, वो काउंट करके जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखना है. मैंने ऑलरेडी आपको आंसर्स दिए हैं, आपको भी ये टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर्स लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. अब जैसे ही आप पेज टर्न करोगे, अगेन वी हैव अ नंबर ऑफ पिग्स. अब काउंटिंग ही है हमारा कंटिन्यू. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पिग्स, पहले हमने नंबर ऑफ स्टिक काउंट की थी, अब हमारे पास है नंबर ऑफ पिग्स काउंट करनी है. सो पहले स्टूडेंट्स हम ये वाला देखते हैं कि एक नेकलेस है, एक नेकलेस में आखिरकार पिग्स कितने हैं. सो हियर वी गो टू काउंट. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
सो एक नेकलेस में कितने बीट्स है स्टूडेंट्स? 10. इसमें 10 है, यानी सारे में 10 है. वो हम देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो ये इसमें भी 10. यस और नो स्टूडेंट्स? फर्स्ट वाले नेकलेस में भी 10 था, सेकेंड वाले में भी 10. अब हम थर्ड वाला नेकलेस देखते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सो इन दिस नेकलेस ऑल्सो 10 बीट्स आर देयर. मीन्स इन ईच नेकलेस, एक नेकलेस में ऐसे 10 बीट्स है. दैट वी गॉट इट. ओके, यहाँ पे 3 नेकलेस दिए थे, तीनों तीन में 10-10 बीट्स है. यानी 10+10 यानी 20+10 यानी 30 हो गए. अब ये जो लूज बीट्स दिए हम काउंटिंग करेंगे, ये 10-10 प्लस करके यानी 30. 30 के बाद कंटिन्यू. सो 30 के बाद 31 and 32. सो हाउ मेनी बीट्स वर देयर हियर? 32. सो दैट आई एम राइटिंग इन दिस. तो आपको भी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 131 पे यहाँ पे बॉक्स में 32 मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, नाउ वी विल काउंट द नेक्स्ट वन. हियर हमें पता चल गया एक नेकलेस में 10 बीट्स है, यानी ये 10, दिस वन ऑल्सो 10, दिस वन ऑल्सो 10. So 10+10, 20+10, 30. So 30 we got it. Now we will counting this loose bits. So 30 ke baad continue karenge. So 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So what we get answer students? 39. So that you have to mention over here. Okay students? Okay. Then next here also necklace. So in each necklace we all know how many beads were there? 10. So 10, 10, 10 and 10. So 10+10, 20+10, 30+10, 40. यानी 40 हो गए. 40 के बाद कंटिन्यू करते हैं. अब ये लूज बीड्स. सो 40 के बाद 41, 42, 43. So what we get answer students? We get answer 43. So that you have to mention over here. Understood? Okay. Then again bits 10, 10, 10 and 10. So 4 necklace of 10 bits means 40. 40 ke baad, now we are counting the loose bits. Means 40 ke baad 41, 42, 43, 44, 45. So how many total beads students? 45. So 45 we get answer. Okay. Now last one. यहाँ पे सिर्फ necklace है, loose beads एक भी नहीं है. So 10-10 के कितने necklace है? 1, 2, 3, 4 and 5. So we are having a 5 necklace of 10-10 beads. यानी 10 का 1 necklace, 2 necklace, 3 necklace, 4 necklace and 5. So 10+10, 20+10, 30+10, 40 and +10, 50. So students we get answer, यानी ये total 5 necklace के 10-10 beads का answer क्या students? 50. Yes or no students? यहाँ पे loose bead एक भी नहीं दिया है. So total 50 beads were there. समझ में आ गया students ये? Okay. Now students, in lesson we will see the repeated addition. हम repeat करें ना, 10 को 3 times add किया, 10 को 4 times add किया, 10 को 5 times add किया, right? Now, next is how much will the bananas cost? अब हम cost find out करनी है bananas की. तो एक banana की cost है rupees 1, यानी एक की price कितनी है students यहाँ पे दिया है? रुपीज 1. तो ऐसे 3 बनानास है, यानी इसकी प्राइस भी 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज. सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? यानी 1+1, 2+1, 3. सो 3 बनाना की कॉस्ट कितनी होगी? 3 रुपीज. समझ में आया? एक बनाना की 1 रुपीज था, तो ऐसे 3 बनानास है, तो 1 1 1, यानी 1+1, 2+1, 3. जैसे 3 बनानास की कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? 3 रुपीज. नाउ स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग मैंने एक एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन दिया है कॉस्ट फाइंड आउट करने का. वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक पे जाएंगे. ओके, लेट्स सी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दिस लेसन. सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर एक्सरसाइज.
दैट फाइंड द कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग. अब जो हमें दिया है उसकी हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी. जैसे हमने बनाना की थी कि एक बनाना की प्राइस 1 रुपीज थी, तो ऐसे 3 बनानास की कितनी होगी. वैसे ही एक एग्जाम्पल लिया है दैट कॉस्ट ऑफ एन एप्पल. यहाँ पे क्या लिख रहा है, एन एप्पल यानी एक एप्पल की प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स, इज रुपीज 2. यानी एक एप्पल की प्राइस है रुपीज 2. सो कॉस्ट ऑफ एप्पल, अब हमें देखना है कितने एप्पल्स की प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है. यस हियर. सो एक एप्पल की प्राइस थी 2 रुपीज. तो ऐसे कॉस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3 एप्पल्स, सो 3 एप्पल्स की प्राइस कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स ये एक एप्पल की कितनी है 2 रुपीज. तो ये एप्पल की प्राइस 2 रुपीज, ये एप्पल की प्राइस 2 रुपीज, और ये एप्पल की प्राइस हो गई 2 रुपीज. यस और नो स्टूडेंट्स. सो अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल तीनों एप्पल्स की हमें प्राइस कितनी मिलेगी. यानी हमने दिखा दिया ये पहले एप्पल की प्राइस, ये फर्स्ट एप्पल की, ये सेकेंड और ये थर्ड, राइट. सो मीन्स 2 + 2 + 2, हमें क्या करना है 2 + 2 + 2 करना है. तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी कितने रुपीज होंगे वो, यस और नो. यानी 2 + 2 यानी ये हो गए 1, 2 और इसके 1, 2. सो 2 के बाद यानी अब टोटल हो गए 2, 2 हमने निकाल ली. मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो व्हाट वाज द कॉस्ट फॉर ऑफ अ 3 एप्पल इज, 3 एप्पल्स आर रुपीज 6. तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एक एप्पल की प्राइस 2 रुपीज थी, तो ऐसे 3 एप्पल्स की प्राइस कितनी होगी टोटल कॉस्ट. सो वी गेट आंसर रुपीज 6. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. ओके नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल. आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, पेंसिल. हियर यू कैन सी पेंसिल, राइट. कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज रुपीज 1. ये कितने रुपीज का कॉइन है, 1 रुपीज का. यानी एक पेंसिल की प्राइस है 1 रुपीज. सो यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ, हियर हाउ मेनी पेंसिल्स वेयर देयर. सो सी स्टूडेंट्स आई एम काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5. तो एक पेंसिल की प्राइस अगर 1 रुपीज है, तो ऐसे 5 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी. सो स्टूडेंट्स वेयर 5 रुपीज, फाइव सारे पेंसिल के पहले हम कॉइन लगा देते हैं. सो ये पेंसिल के लिए 1 कॉइन, फिर ये सेकेंड वाली पेंसिल के लिए 2, 1 मोर कॉइन, थर्ड वाली के लिए, फोर्थ वाली के लिए और 5. यानी 5 पेंसिल के 1 रुपीज निकाल लिए, यस और नो. अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका टोटल कॉस्ट. यानी 1 रुपीज फॉर 1 पेंसिल. सो 1, 1, 1, 1 and 1. सो 1 5 times, यानी 1, 2, 3, 4, 5. सो व्हाट वी गेट आंसर स्टूडेंट्स, 5. मीन्स 1 वी आर एडिंग फॉर 5 times. सो 1 + 1 + 1 + 1 + 1. सो 1, 2, 3, 4 and 5 times. सो व्हाट वी गेट आंसर स्टूडेंट्स, वी गेट आंसर रुपीज 5. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इफ क्वेश्चन फाइंड द कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग में क्या करना है, वी गॉट इट इजीली. हमें अच्छे समझ में आ गया ना कॉस्ट वाला. अब देखते हैं नेक्स्ट आपका टेक्स्ट बुक, जैसे आप ओपन करोगे वहां पे पेज नंबर 132 पे दिया है गिव नंबर नेम एंड हाउ मेनी टेंस इसमें, राइट. तो पहले हम ये वाला देखते हैं कि गिव नंबर नेम यानी 15 का हमें नंबर नेम सबको पता है स्टूडेंट्स, एनीवन नो. तो 15 का स्पेलिंग जो है स्टूडेंट्स, इसका आपको मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको नंबर नेम स्टिल 100 सिखा दिया है. तो स्टूडेंट्स इसका नंबर नेम आपको आपके नेम के साथ कमेंट्स में लिख के भेजना है, स्पेलिंग ऑफ 15 नंबर, राइट. आपको आपका जो भी नेम है वो ऐसे लिखना है, नेम नहीं लिखना है बट आपका पूरा नाम जो भी है आपका सरनेम के साथ आपके फादर के साथ नेम पूरा लिखो और उसके बाद स्पेलिंग ऑफ 15 यानी 15 का स्पेलिंग राइट क्या है वो आपको लिख के भेजना है. चलो मैं देखती हूँ कौन कौन आंसर करता है, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट्स में इसका आंसर लिख के भेजना है, 15 का नंबर नेम. ओके नाउ हाउ मेनी टेंस, अब नंबर दिया है 24. सो स्टूडेंट्स हमने टेंस और वंस में डिवाइड करना किया था ना, यानी ये 10
और वंस हमें प्लेसेस पता है. तो 24 में टेंस कितने हैं स्टूडेंट्स? टेंस टू, यानी यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? टू टेंस. यस और नो? हमने किया था ना कि कोई भी नंबर दिया हो कि 24 इक्वल्स टू डैश टेंस एंड डैश वंस, ऐसे की थी ना एक्सरसाइज? यस और नो? मैंने सीडब्ल्यू में भी आपको दिया था. तो इसमें आएगा टू टेंस एंड फोर वंस. तो यहाँ पे हाउ मेनी टेंस में क्या आएगा? टू टेंस. समझ में आएंगे स्टूडेंट्स? ओके. देन विच इज द बिगर नंबर? अब हमारे पास दो नंबर दिया है, 1313 एंड 2626. अब दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है? तो हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स किया हुआ है बिगर नंबर, यानी जो बड़ा हो, जो बाद में आता हो. सो 13 वी नो दैट 13 के बाद 14, 15 काउंट करते हैं, उसके बाद 26 आता है. सो 13 और 26 अमॉन्ग दिस टू विच वन इज द बिगेस्ट नंबर, बिगर नंबर स्टूडेंट्स? एनी गेसेस? बहुत ईजी है, बोलो बोलो बोलो. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, करेक्ट आंसर 26. तो यहाँ पे आपको लिखना है 26. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. सो ये मैंने पेज नंबर 132 आपके टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेन किया, और इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिख के भेजना है फुल नंबर नाम के साथ. सो देखती हूँ कौन कौन आंसर देता है. ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आपका लास्ट पेज है चैप्टर 13 का. इसमें दिया है आपको ये स्टोरी है, डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर एंड नरेट इन द क्लास. तो आपको ये पिक्चर 1, 2 और 3 है, इसके ऊपर से एक स्टोरी बनानी. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले पिक्चर में 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो यहाँ पे 5 गोट्स थी, उसमें से आप देख सकते हो 1 एंड 2, वो दो गोट्स चली गई. तो कितनी बची? 1, 2. तो 3 गोट्स हमारे पास बची है, 1, 2 एंड 3, राइट? तो स्टूडेंट्स ये तीनों पिक्चर्स को रिलेटेड आपको एक स्टोरी बनानी है, राइट? आप बना सकते हो, फिर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी है, आपके मम्मी पापा, उसको सुना भी सकते हो. बट कंडीशन ये है कि आपको स्टोरी इंग्लिश में बनानी है, राइट? इंग्लिश में आपको ये 3 पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना है. देन यहाँ पे भी एक स्टोरी है, ये पिक्चर भी है, तो उसके ऊपर भी आपको एक स्टोरी अच्छे से बना सकते हो काउंटिंग के ऊपर से, राइट? और यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट. ओके स्टूडेंट्स, आप ये स्टोरी अपने घर पे भी मम्मी पापा को या किसी को सुनाना है तो सुना सकते हो. सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, सो स्टूडेंट्स आई कंप्लीट योर लेसन चैप्टर 13 हाउ मैनी. ओके, एंड वंस मोर आई सेड कि ये वाला लेसन ओमिटेड लेसन है, यानी आपके सिलेबस में नहीं आएगा स्टूडेंट्स. ओके, बट आपके फर्दर स्टडी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करी. ओके, तो आपको समझ में आ गया? कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो, एंड आपको वो 15 का स्पेलिंग यानी नंबर नेम लिख के भेजना है कमेंट्स में, वो भी मत भूलना. ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.